हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमा वर्मा और मेरे चैनल अलवी चाइल्डहुड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लॉकडाउन में बच्चों को किस तरीके से बिजी रखें, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएं, क्या क्या फनी एक्टिविटीज़ कराएं, जिससे कि बच्चा आसानी से हमारे बोर भी ना हो और वो कुछ सीख भी जाए। तो आज मैं अपने बच्चे की कुछ एक्टिविटी शीट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शेयर करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी की कुछ शीट्स और इसमें हमें मैम ने दिया था ये डोनट बनाने के लिए, जो हमने डोनट इस तरीके से बनाए हैं। आप भी ये बच्चों को करा सकते हैं। लॉकडाउन में मेरे पास कोई शीट्स वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने एक पुरानी कॉपी में ही इसको मैंने ये सब एक्टिविटीज़ करवा ली है। आप भी इस तरीके से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये चेरी बनवाई थी, तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को बनाकर उसमें बोल सकते हैं कि कलर करने के लिए। और ये नेक्स्ट है बैसाखी एक्टिविटी, ये मेरी बेटी ने पेपर की शीट को कट कर करके हाथों से ही फाड़ के इसको फेविकोल लगा के चिपकाया था, आप देख सकते हैं इसको, ये एक्टिविटी करी थी। नेक्स्ट है ये पेपर कटिंग, पेपर कट करके शीट्स का कट करके ये स्पैरो के टाइप का बनाया था। और भी एक्टिविटीज़ थी पर मैंने ये एक ही बनाया था। नेक्स्ट है ये वाटर कलरिंग से इसने सन बनाया हुआ है। और आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिससे बच्चे बोर भी ना हो और उनका मन भी लगा रहे एक्टिविटीज़ करने में। नेक्स्ट है ये शीट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये हैप्पी अर्थ डे की है, ये हैप्पी अर्थ डे की है। और इस पर भी मैंने ये शीट्स कट करके कलर करके ये लगाया हुआ है। ये भी शीट्स अलग हैं, लीव्स लगाई हुई है, ये पूरा अलग है। तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये कोरोना के ऊपर बनाया था, स्टार्टिंग में चला था कोरोना के ऊपर कोई पोस्टर बनाइए, तो ये मैंने बनाया था। उसमें मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं, आप पढ़ सकते हो इन लाइनों को। चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मैंने ये लाइन खुद बनाई है। दुनिया पर ये संकट कैसा आया, कोरोना महामारी ने हमको खूब सताया, भारत में नहीं कोरोना का कोई काम, लॉकडाउन में रहकर मिटाएंगे हम कोरोना का नामो निशान। तो ये लाइनें मैंने खुद बनाई थी फ्रेंड्स, और ये मैंने अपने बेटे की एक्टिविटी शीट्स पर लिख दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये बर्ड्स पेंटिंग, जो ईयरबड्स होते हैं उनमें कलर करके हम इस तरीके से बच्चों को बिजी रख सकते हैं, उनसे इस तरीके से हम ड्राइंग बनवा सकते हैं। तो ये ईयरबड्स हैं, हमने बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये हेल्दी फूड चार्ट, तो ये मैडम ने हमें दिया था कि ये एक्टिविटी करनी है बच्चों को, हेल्दी फूड और जंक फूड के बारे में बताया था। तो मैंने क्या करा, ये एक पेज लिया, शीट ली, और उसके ऊपर ये बुक में से पिक्चर कट करके और कुछ मैंने ये हेल्दी फूड्स में लगाई हैं, कुछ मैंने ये जंक फूड्स में लगाई हैं जो बच्चों को नहीं खाने चाहिए। इससे बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये वर्ल्ड हेल्थ डे का चार्ट है, घर पर रहने का महत्व समझे, इससे मैंने घर पर रहने का महत्व समझाया है। ये मैंने तीन बनाए हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हैं, ये COVID-19 पॉजिटिव हैं, ये लोग घर से बाहर थे और ये लोग घर आ गया बीच में, ये लोग सब घर के अंदर के लोग हैं, तो ये सब सेफ रह गए और ये सब पॉजिटिव हो गए हैं। तो इस तरीके के भी चार्ट आप बनवा सकते हैं बच्चों को। और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पर बैठे करवा सकते हैं। तो प्लीज़ ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने करवाई हैं, तो आप भी इन एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इनको शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लाइक तो बनता ही है। सो प्लीज़ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।